जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद डेवलपमेंट पे खासा ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क कैसा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो वहाँ पे कंपनीज बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगी, लोगों को लॉजिस्टिक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम कम लगेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और उस क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ेगी। यानी कि रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना किसी भी क्षेत्र की डेवलपमेंट करना नामुमकिन है। वैसे ही जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे खासा जोर दिया जा रहा है। इस साल कश्मीर तक ट्रेन भी पहुंचा दी जाएगी, जिससे कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और वैसे ही जम्मू कश्मीर के रोड को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं, लेकिन आज हम सबसे मेन प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जम्मू से लेकर श्रीनगर के लिए बन रहा 4-लेन रोड प्रोजेक्ट। यह रोड प्रोजेक्ट भी 80% तक बन के तैयार हो चुका है और अब अपने आखिरी चरणों में पहुंच चुका है। हाय, मेरा नाम है आशीष और आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि यह प्रोजेक्ट कितना बन चुका है और यह कब तक बन के तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल्स जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है NH44 और इस NH44 को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके बनाया गया और अब इसकी एक ही सेक्शन का काम बचता है, जो कि है रामबन से लेके बनिहाल वाली सेक्शन, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होके गुजरती है। यह 35 किलोमीटर की सेक्शन NH44 की सबसे डिफिकल्ट सेक्शन मानी जाती है, जहाँ पे रोड को बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पे शूटिंग स्टोन्स और बहुत सारी लैंडस्लाइड्स चलती हैं, जो कि आए दिन आपको न्यूज में दिखती रहती है। लेकिन अब ये 35 किलोमीटर वाली सेक्शन 70-80% तक कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे 6 टनलों और 10 ब्रिजेस का काम किया जाना था, जिसमें से सिर्फ एक ही टनल का काम अभी बच रहा है, केला मोड़ से डिगडोल के बीच में। यह टनल 2-3 किलोमीटर लंबा है, जिसका काम अभी चल रहा है। ब्रिजेस की बात करें तो बहुत सारे ब्रिजेस बन चुके हैं, लेकिन बनिहाल बाईपास का काम लगा हुआ है। बीच में भी बहुत सारे फ्लाईओवर्स का काम अभी पेंडिंग है। कुछ कट एंड कवर टनल्स बना दिए जा चुके हैं और कुछ का काम अभी लगा हुआ है। कट एंड कवर टनल से शूटिंग स्टोन का खतरा कम हो जाता है। इस NH44 में बहुत सारी जगह है जहां पे हर टाइम शूटिंग स्टोन आने का खतरा बना रहता है। यह कट एंड कवर टनल्स यहां पे ट्रैफिक को बिना किसी रुकावट के जारी रखेंगे। मनिहाल बाईपास, रामसू फ्लाईओवर और बहुत सारे फ्लाईओवर्स का काम अभी चल रहा है, लेकिन बीच में बहुत सारे ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स बना दिए जा चुके हैं और उनके ऊपर से ट्रैफिक को भी जाने दिया जा रहा है। जो टनल्स बन चुके हैं उनके बीच से ट्रैफिक जा रही है। बहुत सारी जगह पर दोनों लेन से ट्रैफिक छोड़ी जा रही है। कुल मिला के बात करें तो इस प्रोजेक्ट में 2-3 फ्लाईओवर्स और एक टनल का काम चल रहा है और बाकी जब 35 किलोमीटर वाली सेक्शन 70% तक कंप्लीट हो चुकी है। जिस गति से, जिस हिसाब से काम हो रहा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि 1-1.5 साल या 2 साल का समय इसको और लग सकता है। रोड मिनिस्ट्री का कहना है कि इसको 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और ऐसा लगता भी है कि 2025 में यह रोड कंप्लीट होने के चांसेस भी हैं। यह रोड जब कंप्लीट हो जाएगा तो जम्मू से लेकर श्रीनगर सिर्फ 4-5 घंटों में आराम से जाया जा सकेगा। अभी की बात करें तो अभी भी यह समय 5-7 घंटे का लगता है, क्योंकि बीच में रामबन से लेके बनिहाल वाली सेक्शन का काम अभी चल रहा है और वहाँ पे थोड़ा सा समय लग जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के समय की बचत करेगा, लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स जैसे केसेस देखने को कम मिलेंगे। यह रोड जहाँ पे बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा और साथ ही सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा। ओवरऑल यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह प्रोजेक्ट 2025 में बन सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम ऐसे भी, इससे भी दिलचस्प वीडियो हमेशा आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।